एक्स धन 3 वाई बराबर 11, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2 एक्स 4 वाई बराबर 24। तो यहां से एक्स का मान निकालिए, जब एक वो एक्स बराबर 11 3 वाई। अब यहाँ एक्स का मान निकालिए, या 2x का ही मान है क्योंकि यहाँ पर 2x से सीधा सीधा मान। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x क्या 4y बराबर 24, 2x का मान 0। तो 2x की जगह हम लिख दें 11 3y 4y बराबर 24। क्या हो गया 11 4 3 7 y बराबर 24। इसको इधर देखिए, 7 y 24 11 बराबर 24 और 11 जो देंगे हो जाएगा 5 y बराबर 35/7। तो 7/35 y का मान आया 5। अब y का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2, समीकरण ये क्या है 2x धन 3 y का मान है 5 बराबर 11, 2x धन 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 ऋण 15। 11 में से 15 घटाएंगे तो आएगा ऋण 4। x बराबर ऋण 4/2 हो जाएगा ऋण। तो x का मान आया -2 और y का मान आया 5। ये आपका यहां तक है जो दो समीकरण थे उनका हल हमने लिखा। अब आगे सवाल ये है कि m का वह कौन सा मान है जिसके लिए कि ये दोनों मान x और y के मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इतना में करते हैं, अब हमारे पास क्या है समीकरण y धन mx धन 3 है। अतः x तथा y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है 5, m x का मान है -2 धन 3। यहां से इसको गुणा कर दें 5 बराबर -2 m 3। हमको इस तरफ ले 5, इस तरफ ले आएंगे तो 2 m स्थानांतर करने पर चिन्ह इक्वल टू 3, 5 को दूसरी तरफ ऋण ये हो जाएगा -2। तो 2 m बराबर -2, m बराबर -2/2 बराबर -1। तो m का मान -1, तो m बराबर -1 के लिए इन दोनों समीकरणों का
और हल इस समीकरण के करें। अब आगे हम लोग कुछ वर्ड प्रारंभ करेंगे जो कि समस्याओं पर आधारित सवाल है, जिनमें कि समीकरण भी बनाने हैं और उसका हल भी करना है। इसमें पहला प्रश्न दो संख्याओं का अंतर ठीक है, एक संख्या दूसरी की तीन गुनी है। संख्या ज्ञात की या संख्याएं ज्ञात की। हमारे पास सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो उन संख्याओं को ज्ञात करो। क्या है? हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x, मान लिया कि दूसरी संख्या x है, तो प्रथम संख्या क्या होगी? प्रथम संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब जो दूसरी है उसकी 3 गुनी। अगर दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या कितना होगा? 3। पहली संख्या या सॉरी दूसरी संख्या अगर एक्स माने तो जो पहली संख्या होगी वो दूसरी की क्या होगी? 3 गुनी, तो कितना हो जाएगी? 3x। प्रश्नानुसार क्या होगा? दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब इसका और इसका 3x ऋण x बराबर 26, तो कितना हो जाएगा? बराबर 26। x बराबर 26/2 बराबर 13। x बराबर 13, तो संख्याएं क्या होंगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बराबर क्या है? x, और x बराबर कितना आया? 13। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 13। प्रथम संख्या वो कितना है? वो है 3x, और x की कितना उत्तर आया था? 13। तो 3 × 13 = 39। तो दूसरी संख्या 39 है और पहली संख्या 13। तो इस तरह वर्ड प्रॉब्लम, जब वर्ड प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमें दो काम करना। पहला होता है कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, गणितीय रूप में लिखना समस्या को। यहां पर ये समस्या दी हुई थी, इसको हमने गणितीय रूप में लिखा, फिर गणितीय विधियों का उपयोग करके उसका हल निकालना। तो ठीक इसी तरह और भी समस्या हम लोग लेंगे। तो चलिए दूसरी समस्या पर हम लोग चलते हैं।
प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यह की का भाड़ा 105 अंदर की का 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा तक की भाड़ा ज्ञात की यात्रा कितना भाड़ा, ये सवाल किसी नगर या शहर में टैक्सी का भाड़ा इस तरह से तय होता है कि पहले नियत होता है कुछ और उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लिया जाता है। अब अगर 10 किलोमीटर कोई व्यक्ति गया तो उसे 105 रुपये देने, और अगर 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपये। तो आपको ये बताना है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, रेट कितना है, और साथ ही साथ देना है 25 किलोमीटर भाड़ा का, किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना होगा। तो क्या करूं, मान लिया है नियत भाड़ा कितना है X रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा है वाई, प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, नियत कितना है एक्स, एक्स रुपए तो लगेगा और 10 किलोमीटर चला है इसलिए उसका रेट कितना होगा वाई रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से, कितना हो जाएगा 10 × y। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 × y × x, x नियत भाड़ा है और y प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा है, तो 10 किलोमीटर जाने पर उसे देना होगा x × 10y और दिया कितना 155, सॉरी 105। तो ये होगा 105 के बराबर और ये देगा समीकरण नंबर 1।
दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त के अनुसार क्या होगा? एक्स नियत भाड़ा है और यात्रा उसने कितना किया? 15 किलोमीटर। तो 15 × 22, ये पूरा उसका भाड़ा हुआ और ये कितने के बराबर है? 155। इस समीकरण नंबर समीकरण एक और समीकरण दो को हल करिए। अब ये जो आपका सवाल दिया हुआ था वो गणितीय रूप में बदल गया। अब इसको एक्स और वाई का मान निकल गया। समीकरण एक क्या होगा? एक्स बराबर होगा 105 ऋण 10 वाई। एक्स बराबर 105 ऋण 10 वाई। समीकरण दो, दो से क्या करेंगे? एक्स का मान 2 में रख, एक्स की जगह कितना रखेंगे? 105 ऋण 10 वाई। 105 ऋण 10 वाई। और ये क्या है? धन 15 है, y = 155। ये ऋण 10 वाई है, ये धन 15 वाई, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 बराबर 105। उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 155 तो है ही, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 155 में से 105 घटाएंगे आएगा 50। 5y = 50। तो यहां से y बराबर हो जाएगा 50/5 = 10। तो y का मान आया 10, इसको मतलब उसका किलोमीटर भरा है 10 रुपए प्रति किलोमीटर। अब वाई का मान समीकरण एक या समीकरण दो में रखने पर एक का मान मिल जाएगा। तो सवाल को लीजिए, अभी हम सवाल को मिटा देते हैं। इतना तक। अब y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है? 10, सॉरी x / 10, y का मान 10 = 100 = 105 = 105। तो x बराबर 5। तो उत्तर क्या आया कि 5 रुपए नियत और 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा दिया जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा? 5, 10, 15। इसी तरह आपको बता होगा तो हमें यहां पर 25 क्या है? y का मान, सॉरी 25 किलोमीटर। तो यहां पर हम भाड़ा निकालने के लिए 25 की यात्रा का भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा है 5 रुपए, रेट है 10 किलोमीटर के अंदर, 25 × 25 = 255 = 255 रुपए। तो 25 किलोमीटर जाने में 255 रुपए उसे किराया देना होगा, जबकि उसका प्रति किलोमीटर का रेट है 10 रुपए और नियत भाड़ा है 5 रुपए। तो हम आपको गणित में सवाल को लिखा।
हल करना होगा, तो आज हम लोग आपके लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल, और अगर लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो ईमेल ऐप पर जाकर क्लास आईडी से ज्वाइन करें। बस इतना ही, थैंक यू।